स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए भरी दुनिया के सामने समर्थन देने वाले अजरबैजान की खोपड़ी मानो खुल गई है। वो अब भारत के घुटने पर आ गया है। भारत ने अरब कंट्रीज के साथ विदाउट सिमिलर रिलीजन, विदाउट सिमिलर कल्चर, विदाउट सिमिलर सिविलाइजेशन वो रिलेशंस बनाए जिसने पाकिस्तान के रिलेशंस को उनसे काट के रख दिया। भारत ने किया क्या? डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर मास्टरी है उनकी, उसको सल्यूट है। पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंट्री बन जाए जहां नफरतें ना हो किसी के लिए। मैं वहां जाके ये नहीं कि कोई भी अगर मैं बिजनेस करना शुरू करूं, सियालकोट में आपने देखा था क्या हो गया था, ठीक है ना? किसी की मुझसे पर्सनल राइवलरी है, उसने मेरे उस पर चिपका दिया कि ये तो ब्लास्फेमर है और मैं गया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अजरबैजान वाले भी बात हो रही है कि कैसे अजरबैजान अब बैकफुट पर है इंडिया के खिलाफ। पहले उसने अच्छे खासे स्टेटमेंट दिए इंडिया के अपोज में, लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है। लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक और बात हो रही है कि कैसे अरब कंट्रीज के साथ इंडिया ने अपने इतने रिलेशन सुधार लिए। अगर पाकिस्तान का देखो तो पाकिस्तान का और इंडिया ने रिलेशन सुधारे भी है, और उसके साथ साथ में पाकिस्तान के रिलेशन खराब भी हुए हैं। अगर पाकिस्तान पहले एक इस्लामिक कंट्री, अरब कंट्रीज भी इस्लामिक कंट्रीज, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक नेचर रिलेशन बना बैठा था, उसको तोड़कर अब इंडिया ने इस हिसाब से अपने रिलेशन बना लिए है। मतलब कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया और अरब कंट्रीज में सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, सिमिलरिटी सिर्फ एक है, ट्रेड करना, प्रॉफिट करना, एक दूसरे के साथ बिजनेस करना। अदरवाइज अगर आप देखो तो रिलीजन सेम नहीं है, सिविलाइजेशन सेम नहीं है, लोग सेम नहीं है, पहरवेश सेम नहीं है, कल्चर सेम नहीं है, ये सारी चीजें है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर दूसरी तरफ कि दोनों का टारगेट है, क्योंकि दोनों कंट्री की जो जनता है उनको ठीक तरीके से सब कुछ मिलता रहे, इसीलिए बिजनेस होता रहना चाहिए। और यहाँ पर यही बात हो रही कि कैसे इंडिया ने जो है जयशंकर साहब ने वो रिलेशन इतने मजबूत किए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए भरी दुनिया के सामने समर्थन देने वाले अजरबैजान की खोपड़ी मानो खुल गई है। वो अब भारत के घुटने पर आ गया है और मुंह झुकाकर भारत से बड़ी मदद मांग रहा है। कह रहा है, मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे देश एक बार आ जाइए, सिर्फ एक बार हमारे यहाँ आकर COP29 की बैठक में शामिल हो जाइए। कुछ इस तरह से भारत के घुटने पर आकर नाक रगड़कर पाकिस्तान का जिगरियार बयान दे रहा है। अब अजरबैजान की ओर से कौन दे रहा है ये बयान, और क्या अजरबैजान को समझ में आ गया कि फटेहाल पाकिस्तान के साथ उसे दोस्ती से कोई फायदा नहीं मिलेगा? और अगर अजरबैजान कश्मीर पर बकबक नहीं करेगा तो हो सकता है कि भारत उससे दोस्ती कर ले। अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने पीएम मोदी को COP29 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, इस साल कॉप सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित होने वाला है। इस बार के एनुअल क्लाइमेट समिट में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को अडेप्ट करने और इन गतिविधियों के लिए वित्त व्यवस्था जुटाने के वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने अरब कंट्रीज के साथ विदाउट सिमिलर रिलीजन, विदाउट सिमिलर कल्चर, विदाउट सिमिलर सिविलाइजेशन वो रिलेशंस बनाए जिसने पाकिस्तान के रिलेशंस को उनसे काट के रख दिया। भारत ने किया क्या? डॉक्टर जयशंकर की जो एक्सपर्टीज हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर मास्टरी है उनकी, उसको सल्यूट है। पॉलिसीज तो मोदी साहब की हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की अपनी जाहिर महारत तो है ना। वो उन्होंने ऐलान किया, उस वक्त ऐलान किया जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि सैंक्शंस लगेंगी जो रशिया से लेगा तेल, उन्होंने उसी वक्त धड़ाधड़ तेल लेना शुरू कर दिया। कैन यू इमेजिन? खैर, देखा जाए तो धीरे धीरे हर देश को पाकिस्तान की हरकतें समझ आ गई है और अब एक एक करके हर देश पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, फिर चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। वो पाकिस्तान के हालात पर चीन से मदद मिलने की गुंजाइश में थे, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ
और उन्हें चीन से खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि चीन ने उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी। और अब अजरबैजान ने भारत को COP29 के लिए आमंत्रित किया है। वो मुल्क कोई उसी वक्त ऐसे कर सकता है जो भारत की तरह इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट और एक ऐसी पॉलिसी रखता हो जो कि न्यूट्रल पॉलिसी हो और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, अपने कदमों पर खड़ा हो। तो भारत तो अपने कदमों पर खड़ा, उसे क्या इससे सरोकार के कोई उसको ये कहे कि तुम इससे तेल ना लेना, उससे तेल ना लेना। उसने कहा लेंगे हम, और भारत ने तेल लिया, धड़ाधड़ तेल लिया रशिया से। ऐसा तेल लिया है कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो टाइम है, हम भी फ़ायदा उठाएं, भी तेल लें। तो जो सैंक्शंस उसके ऊपर लगनी थी वो तो लगी, कुछ लगी कुछ नहीं लगी, लेकिन उसमें उन कंट्रीज पर कोई सैंक्शंस नहीं लग सकी क्योंकि इंडिया भी तेल ले रहा था और यूरोपियन कंट्रीज भी तेल ले रहे थे। तो वो तेल उसने रखा अपने अपने उसके लिए स्पेंड करने के लिए, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने तेल जमा किया अपने पास एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये हमने देखा। अच्छा, उसके साथ एक और पॉलिसी जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एक रास्ता आसान हो गया उनके लिए, वो क्या थी? अगर वो पॉलिसी ना होती तो शायद इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना इतना आसान ना होता। उसमें यही है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, न्यूट्रैलिटी और एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी ने भारत के बहुत गहरे ताल्लुकात बना दिए अरब कंट्रीज़ के साथ। उसमें इस्लामी या मजहबी रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से ये बात कही जाती, पढ़ाई जाती है, नैरेटिव है कि जो इस्लामी और मजहबी रिश्ता है वो सबसे गहरा है। आज तक ना सिर्फ ये कि नस्लें उसके पर पली बढ़ी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जेन्युइनली इन रियलिटी जो मुल्क की पॉलिसीज थी वो भी इसी पर बेस करके बनाई गई कि इस्लाम का और मज़हब का रिश्ता सबसे जेन्युइन, सबसे मुफीद, सबसे ज़्यादा अच्छा और यही बेनिफिशियल है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसका अंजाम आप देखें, आप उसका अंजाम ये देखें कि कश्कोल लेके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं कश्कोल लेकर दर दर फिर रहा हूँ, अरब कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, और जब वो मेरी शक्ल देखते हैं तो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं क्योंकि वो अब हमें कर्ज़ नहीं देना चाहते। तो फिर उसने ये कहा कि कश्कोल हम तोड़ते हैं और बस ये जो नेक्स्ट है ये IMF का जो लास्ट प्लान होगा और हमने किसी से कर्ज़ा नहीं लेना। तो उसको तब्दील इस तरह से किया गया कि हम कर्ज़ लेने आपके पास नहीं आए, हम ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आप मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट जिसने करनी होती है वो खुद से चल के आता है कि तुम्हारे पास ये है मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, जैसे कि पूरी दुनिया चलकर अमेरिका समेत, अमेरिका के सदर समेत इंडिया जाते हैं, उनको ये कहना नहीं पड़ता, उनको अपना कश्कोल लेकर नहीं जाना पड़ता। वो कहते हैं लेकिन इस तरह नहीं कहते कि उनके दर पर जाकर बैठें और कहें कि हमें आप कर्ज़ ना दें, आप हमें इन्वेस्टमेंट करें। ये कर्ज़ की ही का ही दूसरा नाम है, कर्ज़ लेने का दूसरा तरीका है, कान आप इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, क्योंकि आप उनके पास जाके कह रहे हैं कि प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं कह रहे कि भाई आप देखें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें, नहीं, आप कह रहे हैं प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करें, हम कर्ज़ नहीं चाहते लेकिन हमें मदद की ज़रूरत है और आपको पता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग लाए हैं, हमेशा से आपके काम आते रहे हैं, तो आप पैसा दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, ये कर दें, हम आपको एसेट्स दे देते हैं, एयरपोर्ट पर आप लगा दें, एयरपोर्ट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये पार्क आपका हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये है ना पॉलिसी, कोई पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में बिजनेस कर सके, कोई हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सके। यही तो चेंज है जो हमारी इस वक्त की जनरेशन को जरूरत है कि हम इसमें बदलाव लाएं, हम ये चेंज लेकर आएं। हम कब तक वही अपना, जैसे कहते हैं ना कि नफरतों का और लड़ाई झगड़े का माहौल लेकर चलते रहेंगे? कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं हमें बदलना पड़ेगा। हमारे लिए ना सही, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनके लिए सही, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है हम सारी दुनिया से अगर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम बिजनेस लाएंगे, हम लोन नहीं लेंगे, तो हम भारत से क्यों नहीं कर सकते? अभी मशीनरी वगैरह मंगवाई तो थी मरियम नवाज ने इमरान खान के जमाने में, जो एक हंगामा मच गया था कि वो देखो जी भारत से मशीनरी मंगवा ली उन्होंने, इतना इमरान खान ने उल्टी कलाबाजियां करी थी, क्या पता। सो यही है, मैं कह रहा हूँ इसी को एसोटेरिज्म कहते हैं, खुद से सीखना होगा। क्या कर लेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर एक गवर्नमेंट करेगी पॉलिटिकल पार्टी बवाल मचा देगी, अपोजिशन वाली,
आप समझ लिए ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो तो वो उसको भाई मोदी का यार है, गद्दार है, आप समझ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्लोगन है इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूं कि हमारे आपके संबंध ये ये इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा है ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन स्थापित करता है अपना फायदा देखने के लिए। हिंदुस्तान का पाकिस्तान से क्या फायदा है, भारतवर्ष का पाकिस्तान से क्या फायदा है, और पाकिस्तान का भारतवर्ष से क्या फायदा है, ये रिश्ते क्यों बने। मैं बताता हूं भारतवर्ष का क्या फायदा है। भारतवर्ष का पहला फायदा है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंट्री बन जाए, जहां नफरतें ना हो किसी के लिए। मैं वहां जाके ये नहीं कि कोई भी अगर मैं बिजनेस करना शुरू करूं, सियालकोट में आपने देखा था क्या हो गया था, ठीक है ना, किसी की मुझसे पर्सनल राइवलरी है, उसने मेरे उस पर चिपका दिया कि ये तो ब्लास्फेमर है और मैं गया। दूसरा कि पाकिस्तानी इंडिया में आए तो उसको भी ये नहीं होना पड़े कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो गद्दार है, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये किसने ये पेंच भरा, किसने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते और क्यों नहीं रह सकते। उन चीजों पे जाइए जिस चीजों से आपने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते। तो क्या ऐसा हो गया 70 सालों में, क्या परिस्थिति बन गई आप ये मानने लगे कि हम साथ में रह सकते। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा आरजू जी, गवर्नमेंट्स को तो वोट लेना है, आपकी भी गवर्नमेंट को, चाहे जैसा भी डेमोक्रेसी हो है, तो आपकी गवर्नमेंट तो एटलीस्ट इलेक्टेड इलेक्शन से ही आती है, हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्शन से आती है। तो वो तो एक पार्टी ने शोर मचाना शुरू करना, इमरान खान ने फिर गुलाटी लेनी शुरू कर देनी है कि ये देखो जी इंडिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। तो जब तक ऐसा हो कि जनता में हो कि भाई इंडिया आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट विल बी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।